देश की बीमारी, जात पात ऊंच नीच छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ उसके अनावश्यक आलोचक हो जाते हैं। धर्मावलंबियों का और हिंदू धर्म के मानने वालों का, युवाओं का यह संगम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह देश सनातनियों का देश है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों को सड़कों पर सनातन धर्म के लिए आना पड़ रहा है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई खबर के साथ, जहां हिंदू एकता यात्रा का आज आठवां दिन है। बाबा बागेश्वर के साथ हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। निवाड़ी से ओरछा के लिए ये पदयात्रा अब आगे बढ़ रही है। ओरछा में लाखों लोग पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए और ओरछा के तिराहे पर आज रात्रि में विश्राम भी किया जाएगा। बड़ी खबर है क्योंकि अब ये यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ती जा रही है। आठवां दिन इस यात्रा का आज हो गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोग यहां पर शामिल हो रहे हैं और आज निवाड़ी से ओरछा की तरफ ये पदयात्रा बढ़ रही है और कल ओरछा में इस पदयात्रा का समापन होना है, जहां लाखों लोगों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए और ओरछा तिराहे पर आज रात्रि विश्राम की सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं। आठवें दिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने हजारों पदयात्रियों के साथ निवाड़ी से अब ओरछा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर उनके भक्त भावुक हो गए हैं। दरअसल पिछले आठ दिनों से लगातार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पैदल चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पांव में छाले पड़ गए जो कि बहुत दर्द दे रहे हैं। रास्ते में बैठकर डॉक्टर ने उनके पैर में घावों की मरहम पट्टी भी की। इस दौरान उनके चेहरे पर दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी वह लगातार हिंदू सनातन एकता की बात कह रहे हैं और उनका कहना है कि यह दर्द तो बहुत ही कम है। तो आठवें दिन की पैदल पदयात्रा लगातार जारी है और जिस समय सरल सहज भाव से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने लोगों से मिलते हैं, उसी सरल सहज भाव से आप देख रहे हैं कि सड़क पर बैठकर वो अपना भोजन कर रहे हैं। और ये दिनचर्या मैं नियमित देख रहा हूं गुरुजी आपकी, किस तरीके से आठ दिन हो चुके हैं, आज आठवां दिन है, क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है, अच्छे से हो गए हैं आठ दिन, भगवान की कृपा है। और जीवन है, जिस काम के लिए निकले हैं हम वो अपना काम कर रहे हैं, जिनके लिए निकले हैं उनको मिल रहे हैं, जिस संदेश को लेकर निकले हैं वो काम कर। आज मैं देख रहा था आपके पैरों में पट्टी बंध रही थी, बड़ा कष्ट हो रहा था। मैं भी क्योंकि आठ दिन से आपके साथ लगातार चल रहा हूँ, एक भाव जुड़ गया है, तो चेहरा नहीं देख पा रहा था आपका, बहुत आज वो उसमें पानी बन गया है तो वो ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, ठीक हो जाएगा। इतने लोगों का प्यार स्नेह, लोग जुड़े हुए हैं आपसे, आपको भी ऊर्जा मिलती हो कहीं? बहुत सारे लोग गुरु जी ये देखना चाहते हैं कि आप शायद कोई विशेष भोजन करते होंगे रास्ते में चलते, लेकिन मैं देख रहा हूँ बड़ा साधारण भोजन जो सभी लोग करते हैं। किसी के घर से बन के आया है, विशेष आम और खास जिंदगी में कुछ होता नहीं, विशेष बनाने से विशेष होता है, जिसकी जैसी निष्ठा वो हमें दे देते हैं। आखिरी दिन की ओर बढ़ रही है गुरु जी यात्रा, कैसा अनुभव और ओरछा में क्या तैयारियां? भव्य हैं और यात्रा अभी विराम होगी, फिर करेंगे। देश की बीमारी, जात पात ऊंच नीच छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक करना, भेदभाव को मिटाना और धर्म विरोधियों को जवाब देना। आप मिर्ची बहुत खाते हैं? हाँ, बचपन से ही खाते, इसलिए तो कड़वा बोलते हैं। तो देखिए, ये गुरुजी हैं जो लगातार साधारण जीवन जीकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र किसान, दुर्गेश कुमार, विस्तार। देखिए, आपने सुना पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी यात्रा में लगातार उनके चेहरे पर वो मुस्कान अभी भी बनी हुई है। चलिए अब आपको आज के दिन की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाबा की यात्रा के आठवें दिन पदयात्रा से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं पहली तस्वीर में देखिए कैसे बागेश्वर बाबा के पैर में घाव हो गए हैं, जिसके बाद आज डॉक्टर बाबा के पैरों का इलाज करते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए पदयात्रा में अलग अलग जगहों से अद्भुत झांकियां भी आई हैं, यहां तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी झांकी इस यात्रा में देखने को मिली।
तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का रंग देखने को मिला है, जिसमें महाराष्ट्र से फेमस बैंड ने पदयात्रा में आकर अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही डांस की भी प्रस्तुतियां यहां पर हुई हैं। तो वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर में देखिए, बाबा की पदयात्रा अंतिम पड़ाव की ओर है, यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। कल यानी शुक्रवार को बाबा की पदयात्रा का ओरछा में समापन भी होने वाला है। ये खास चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप ये चारों तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है, वहीं क्या भगवामय माहौल यहां पर बना हुआ है। चलिए अब आपको बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर यात्रा का आठवां दिन है। आप इन बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी एक बार दिखा देते हैं। देखिए इस एकता यात्रा का आठवां दिन आज है, आज निवाड़ी से प्रतापपुर रवाना होने वाली है ये बाबा बागेश्वर की पदयात्रा। वहीं कल ओरछा के लिए ये यात्रा रवाना होगी और आज रात्रि भी ओरछा में ही विश्राम करने वाले हैं। वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 15 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, हर दिन ही लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 15 किलोमीटर तक चलेंगे और कल ओरछा में इस यात्रा का समापन होने वाला है, जहां पर लाखों लोग इस यात्रा में समापन के लिए शामिल होंगे। इस पदयात्रा में उत्तर प्रदेश के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया भी शामिल होने के लिए निवाड़ी पहुंचे। उन्होंने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की सराहना भी की। वहीं विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं अब देश भर में निकालना बेहद जरूरी हो गया है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की पैदल पदयात्रा में कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ राजा भैया हैं। आपने देखा छतरपुर से शुरू हुई यात्रा की चर्चाएं पूरी दुनिया में है, क्या देखा आपने? बहुत ही सकारात्मक पहल महाराज जी द्वारा और जन सामान्य में बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है इसका। उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल इस यात्रा को लेकर, क्योंकि चर्चाएं तो हर जगह हो रही है? हर जगह बहुत उत्साह, खासकर विपक्ष की हम बात करें तो लगातार निशाना भी बनाया जा रहा है, एजेंडा बताया जा रहा है एक प्रकार से। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ उसके अनावश्यक आलोचक हो जाते हैं, तो अनावश्यक आलोचना करे बिना कुछ लोगों का पेट नहीं भरता है, तो वो सामान्य चीज है। कितनी जरूरी थी इस यात्रा को देश में जिस तरीके से माहौल चला? बहुत ही, ये यात्रा भी आवश्यक है और इस तरह की और यात्राएं होती रहें, क्योंकि हिंदू को जगाना, हिंदू को जागृत करना ये विश्व का सबसे कठिन दुष्कर कार्य है और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इसका। उत्तर प्रदेश में क्या कभी पहल होती है तो ऐसी यात्रा है? आप बिल्कुल, इस समय आप उत्तर प्रदेश में ही हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राजा भैया जी, जिनका कहना है कि यात्रा सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन रवीन साहब, दुर्गेश कुमार, विस्तार। हमारे साथ निवाड़ी से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ रहे हैं, जो पहले दिन से लगातार इस यात्रा की खास तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश, अब ये यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है और आज आठवां दिन है इस पद यात्रा का, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, वहीं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धीरेंद्र शास्त्री ने अपना संकल्प लिया था और लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। यात्रा को जबरदस्त लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, जहां पर हिंदू लोगों का समर्थन बाबा बागेश्वर को लगातार मिलता जा रहा है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दुर्गेश का मैं सीधा एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, जो कि निवाड़ी में है, जो वहां से हमें सारी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश देखिए क्या उत्साह, क्या माहौल आज आठवें दिन इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंशिका, देखिए अब ये यात्रा पूरे अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा हर जगह जगह पहुंची, अलग अलग रंग इस पूरी यात्रा में मुझे दिखाई दिए। आज सुबह से मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र के कल्चर के साथ ये यात्रा आगे बढ़ रही थी, महाराष्ट्रीयन तमाम जो संस्कृति है, जो कला है, उसे इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। और कुल मिलाकर कहा जाए ऐसी चीज़ों से उन पदयात्रियों का जोश बढ़ाया जा रहा था। इस वक्त मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ मौजूद हूं जो विशेष वेशभूषा में हैं और ये भी इस यात्रा में पैदल शामिल हुए थे आज जोश बढ़ाने के लिए। किस तरह का ये आयोजन था, आप लोग क्या झांकी लेकर चल रहे थे जी, बताइए किस तरह की झांकी लेकर चल रहे थे आप लोग? ये हमारा बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध श्री महाकाल ग्रुप शिवगर्जना है। हालांकि महाराज जी बागेश्वर वाले गुरु जी की वो पदयात्रा आरंभ हुई है, तो हम लोग फिर टीकमगढ़ से आए और पदयात्रा में सम्मिलित हुए और बहुत ही एक सुखद आनंद की प्राप्ति हुई और महाराज श्री के सफल आयोजन में सम्मिलित होकर के हमको इतना बढ़िया लगा। बहुत इस वेशभूषा है, देखिए नंदी महाराज भी इस यात्रा में शामिल है एक प्रतीकात्मक तौर पर, तमाम जो लोग हैं जो खासकर युवा है वो भूत परित बने हुए हैं। ये क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरीके से? ये अघोरी बने हुए हैं,
और ये नंदी महाराज की सवारी है। हाँ। और ये मैसेज है इस प्रकार से मानो कि बाबा महादेव हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ। और उनकी सवारी निकली। हाँ। और सबने बहुत दर्शन किए और खूब आनंद लिया। तो हमने की जा रही ये यात्रा चूंकि अंतिम पड़ाव पर, तो पूरी सफलतापूर्वक जी संपन्न हो। बिल्कुल, कल इसका समापन है, रामराजा सरकार के दरबार में इसका समापन है। तो हम सभी जितने भी हैं सनातनी सबने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु इस आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि देखिए अंशिका हजारों लोगों को साथ में लेकर चलना, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करना, साथ कल आखिरी दिन है, कल ओरछा में प्रवेश कर जाएगी, तो ऐसे में उत्साह भी लोगों को बनता है। कैसा लगा इस यात्रा को देखकर आपको? बहुत बहुत। क्या बने हो आप? अगोरी। अगोरी बने हो, ये देखिए वेशभूषा में है सभी लोग। कैसा लगा इस यात्रा में? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा आपको? तो देखिए ये उत्साह है, ये उमंग है, जो ये यात्रा पहुंच रही है, वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो लोग हैं, वो आगे बढ़कर न केवल भंडारे के जरिए, स्वागत फूलों के जरिए, पुष्प वर्षा के जरिए पदयात्रा का, पदयात्रियों का जोश बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, आप देखिए लगातार ये खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, और आज 8 दिन हो गए हैं, और 8 दिनों की तमाम खूबसूरत तस्वीरें और जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश। वहीं देखिए इतना ही नहीं, पदयात्रा में बीजेपी के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी शामिल होने के लिए निवाड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा इस यात्रा से हिंदू जागरूक हो रहे हैं और अब जात पात को खत्म कर देश को मजबूत करना है। पदयात्रा में कई दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी है लगातार, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं इस पूरी पदयात्रा में? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आचार्य शास्त्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में ये निवाली से लगभग 5 लाख से ज़्यादा धर्मावलंबियों का और हिंदू धर्म के मानने वालों का, युवाओं का यह संगम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह देश सनातनियों का देश है। और मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से, बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा से, ओरछा तक की यात्रा से हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया है और समाज को एक ध्वजा, भगवा ध्वजा के नीचे लाने का काम जो बागेश्वर सरकार ने किया है। मैं आचार्य श्री को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। कोई तो निकला इस कारवा को लेकर के, और आज ऐसा लग रहा है कि समाज, युवा, किसान, मजदूर, बहन भाई, पत्रकार और एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर के और एक ध्वजा के नीचे चल रहे हैं। एक दिन हमें अवश्य सफलता मिलेगी और ये देश नेतृत्व करेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यात्रा निकल रही है उसमें तमाम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र सिंह, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदू सनातन पद यात्रा में देश और प्रदेश के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। वहीं जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के विधायक अशोक रूहानी भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने क्या कहा है सुनवाते हैं आपको। हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में मध्य प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। इस समय अशोक रूहानी जी जो हैं, जो जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र से हैं, कैसा माहौल है, क्या इसकी गूंज जबलपुर तक पहुंच गई? पूरे पूरे प्रदेश और पूरे देश में इसकी गूंज है। ये सनातन धर्म एकता, हिंदू एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसकी अलख जगाई गई है यहाँ से, और ये अलख अब मशाल का रूप और एक बड़े स्वरूप में पूरे देश में बाबा के साथ रहेगी, और बाबा के साथ हजारों लोग, लाखों लोग जो साथ में चल रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि आस्था का केंद्र जो एक सनातन धर्म की जो एकता का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उससे पूरे हिंदुओं को जागृत और सभी को साथ लेकर बिना जात पात के, ये सबसे बड़ी बात है कि सबको एक सूत्र में बांधने का काम जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने किया है निश्चित रूप से। लगातार एजेंडा बता रही है इसे, कई बड़े लोग जो है इसे एक तरीके से सरकार का एक पार्ट बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि जात पात जो है वो ख़त्म हो, और हिंदू वोट बैंक की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति के माध्यम से की हुई है, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों को सड़कों पर सनातन धर्म के लिए आना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ अशोक रूहानी जी, जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, पैदल चल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि जो गुरुजी ने संकल्प उठाया है वो जरूर एक दिन पूरा होगा। कैमरा मैन रविंद्र सिंह, दुर्गेश कुमार, विस्तार।
अब इस खबर से जाते जाते आपको बाबा बागेश्वर से विस्तार न्यूज की खास बातचीत सुनवाते हैं। कैसे यात्रा के 8 दिनों में बाबा बागेश्वर ने विस्तार न्यूज से हिंदुओं को एक करने की बात कही है, सुनिए। देश को, भारत, भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। जब तक इस देश में एकता नहीं हो जाएगी, जब तक जात पात से लोग ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम रुकेंगे। ये यात्रा हिंदुओं की है, ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा ऐसी आजा माता यात्रा देश को बचाने की है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। इस देश में हिंदू एक होने के लिए तैयार है। सब ये धर्म युद्ध है। हिंदुओं में जोश आने का कारण बजरंग बली स्वयं कृपा कर रहे हैं, बागेश्वर बालाजी। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है, हिंदू जगेगा, धर्म विरोधी देश से भागेगा। बाजियों से हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। इससे ज़्यादा अगर बयानबाजी होगी तो हम फिर और नहीं रुकेंगे, हम फिर लगातार जल्दी जल्दी करेंगे, हम उल्टे आदमी। बिल्कुल मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, हमें भरोसा है। और जल्दी ही हम दूसरी पदयात्रा करेंगे। हमारा जवाब इस देश के हिंदू जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो देंगे, हम क्यों दें। देश की बीमारी, जात पात ऊंच नीच छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य करें।